फैंस को उम्मीद है चेन्नई में 13 शतक लगाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन सकता है ये भारतीय। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच चेन्नई में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले दोनों टीमों ने अभ्यास शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में दोनों टीमें सीरीज के पहले 2 टेस्ट के लिए अपने चुने गए खिलाड़ियों का ऐलान कर चुकी है। भारत के जरिए से बात करें तो चेन्नई के मैदान पर पूर्व सीनियर सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और युवा बल्लेबाज करुण नायर 13 शतक जड़ चुके हैं। इसी संदर्भ में बात करेंगे इस सीरीज के दौरान एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी के बारे में जो वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर के बाद इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकता है। वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर के 13 शतकों के बाद अगर मौजूदा भारतीय टीम में कोई बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को छू सकता है तो वो है टीम के सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा। फिलहाल रोहित का नाम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में लिया जाता है, जिसकी तस्दीक उनकी शानदार बल्लेबाजी करती भी है। हालांकि नागपुर के 33 वर्षीय बल्लेबाज ने भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा टेस्ट नहीं खेले हैं, लेकिन 2013 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ने अभी तक 34 टेस्ट मैचों में 45.40 के शानदार औसत से 2,270 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपनिंग के लिए भेजा था। इस दौरान दोनों ही खिलाड़ियों ने सलामी बल्लेबाज में भारतीय टीम के लिए काफी बेहतर डिलीवर किया था, इसीलिए टीम मैनेजमेंट आगे भी सलामी जोड़ी में रोहित के बारे में प्राथमिकता से सोच सकता है। जहां तक बात 13 शतक की है तो रोहित शर्मा जिस क्लास और क्रिकेटिंग करैक्टर के साथ बल्लेबाजी करते हैं उसकी वजह से बतौर ओपनर उनके पास काफी हद तक चांस होगा कि वो भारतीय टीम के लिए खेलते हुए एक व्यक्तिगत पारी में जादुई आंकड़ा छू सके, जिसे इससे पहले सहवाग और नायर स्कोर कर चुके हैं। फिलहाल रोहित शर्मा और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चेन्नई के मैदान पर होने वाले पहले टेस्ट में नियमित कप्तान विराट कोहली भी भारतीय टीम के साथ वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।